हेलो एवरीवन, उम्मीद करते हैं आप लोग सभी अच्छे होंगे। तो फिर से एक नया और एक वीडियो लेकर आए हैं, तो प्रैक्टिस करें और इसमें कुछ स्पेलिंग टेक्निक और भी टेक्निक है, तो आप लोग देखते रहिए। कॉम्बिनेशन करके आपका स्पेलिंग टेक्निक है, तो ये लोग तो प्रैक्टिस करवा रहे हैं क्योंकि नेक्स्ट मंथ है, तो जा रहा है नेशनल खेलने ऋषिकेश में। यहाँ पर बहुत सारा और भी स्टूडेंट है जो आगे तक नहीं है, तो इनके पहले अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट करवा दिए। प्रैक्टिस कर रहे हैं, फिर इसके बाद एक आप देखते रहेंगे कैसे करके प्रैक्टिस होता है। जो ये प्रैक्टिस हो रहा है, ये जंप करके आपका बैक हैंड में पंच करना है। तो ये अगर गैप रहता है स्पेलिंग के टाइम में, तब तो ये करने से पॉइंट मिलने का चांस रहता है। तो इसको हम लोग सुपरमैन पंच बोलते हैं। फ्रंट लेग जंप करके बैक लेग में पंच होगा, और जब जंप कीजिएगा तब बैक लेग आपका आप जाएगा। तो ये लोग भी प्रैक्टिस कर रहे हैं। इसके बाद और भी कुछ टेक्निक बताऊँगा, ये लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं। जो हो रहा है ये शिफ्टिंग है, सब बैक लेग आपको शिफ्ट करके घूम जाना है। तो ये आपका फोर्थ साइड होता है, तो राइट लेग से स्टार्ट करने से बैक साइड से घूमना पड़ता है, राइट साइड का बैक से, और सेम लेफ्ट लेग में स्टार्ट करने से लेफ्ट साइड का बैक से घूमना पड़ता है। तो ये भी एक स्पाइरिंग का टेक्निक है, तो आस्ते से भी यही कर रहा हूँ। स्पाइरिंग में कैसे करके यूज़ होता है नेक्स्ट कुछ कोई वीडियो में दिखाऊँगा ये शिफ्टिंग का कैसे काम आता है इसमें। अपोजिट टेक में है ये शिफ्टिंग हो रहा है, बोथ साइड चेंज करके। तो अभी ये पैरेलल थ्रस्ट ट्रिक हो रहा है शिफ्टिंग के ऊपर, जो इससे पहले आप देखें से भी ये एक साइड पैडल थ्रस्ट किक हो रहा है। सारा सब कोई प्रैक्टिस कर रहा है, अभी कुछ मतलब जो नहीं जाएगा वो सब स्टूडेंट में आ गया, तो सबको लेके
सेम पैरेलल था उसकी तरह, अभी ऑपोजिट लेग एंड आपका ये लेफ्ट लेग में हो रहा है। तो ये शिफ्टिंग करके छोटा जैसे बच्चा है उन लोग को दूसरा स्टार्स दे के रखा है, वो भी दिखा रहा हूँ। फिर मैं हर्डल्स में जंप करके ये लोग किक प्रैक्टिस कर रहे हैं। स्टूडेंट उन लोग को पेड में कॉम्बिनेशन टेक्निक कर रहे हैं। ये लास्ट ये लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं आज के लिए, लास्ट में पैटर्न प्रैक्टिस होगा। अभी जो हो रहा है इसको पैटर्न बोलते हैं, टूल्स भी बोलते हैं। तो ये प्रैक्टिस करने के बाद आज का प्रैक्टिस यहीं पर ख़त्म हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट फिर प्रैक्टिस का और वीडियो बनाऊंगा। तो कैसे करके क्लब में सारा प्रैक्टिस होता है वो आप लोग को फिर से मैं दिखाऊंगा।
ये फोर डायरेक्शन ब्लॉक हो रहा है, इससे पहले वाला था फोर डायरेक्शन पंच, राइट लेफ्ट, ये फोर डायरेक्शन ब्लॉक राइट लेफ्ट में स्टार्ट हुआ, इसको भी राइट और लेफ्ट दोनों साइड ही करेगा।